चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर कैच ए ट्रक 150 मीटर एंड ही गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 30 सेकंड द स्पीड ऑफ द ट्रक इज। देखिए एक बस है, मान लीजिए कि एक बस है, यह एक बस है, वह गति कर रही है एट स्पीड, उसकी जो स्पीड थी वह कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप कह रहा है कैच ए ट्रक 150 मीटर, एक ट्रक थी, मान लीजिए कि एक ट्रक थी, यहाँ पे एक ट्रक थी जो भी कितनी दूर पर थी 150 मीटर की दूरी पर थी। कह रहा है कि एक बस थी जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और एक ट्रक थी जो कि 150 मीटर की दूरी पर थी और इस बस ने इस ट्रक को क्या कर लिया, कैच किया, मतलब कि पकड़ लिया। अब कह रहा है कि अहिट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी डायरेक्शन में दोनों जा रही थी। अब कह रहा है कि जो उसने पकड़ा ट्रक, बस ने ट्रक को जो पकड़ा, यहाँ पे जब वह पकड़ी, बस ने जब ट्रक को पकड़ा तो कह रहा है कि उसने 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में, 30 सेकंड में ही उसे ओवरटेक करके यह बस कहाँ निकल गई, आगे निकल गई, बस आगे निकल गई। यही हमें क्वेश्चन में कहा है, हमें कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रक इज, हमें इसी ट्रक की क्या पता करनी है, स्पीड पता करनी है। क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया? देखिए जब तक आपको क्वेश्चन बढ़िया नहीं समझ में आएगा ना, तब को आपको लगाने में मजा नहीं आएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे बस स्पीड हमें ट्रक की पूछा है, तो हम मान लेते हैं लेट ट्रक स्पीड x किलोमीटर पर आवर इतनी रही होगी और बस की स्पीड दिया गया है, बस स्पीड कितने दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। और डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, इतना उसका डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर। और टाइम कितना दिया गया है, ओवरटेक टाइम कितना दिया गया है 30 सेकंड। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रूल आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम यूनिट से हम करते हैं, या मीटर में है और आवर में है, एवी आवर में है, सेकंड में है, तो हम इसको किलोमीटर बदलेंगे। 150 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 150 बटा 1000 किलोमीटर होगा, और इसको आवर कन्वर्ट करेंगे 30 बटा 3600 आवर होगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। देखिए जो बस थी और जो ट्रक थी वह किस डायरेक्शन में जा रहे थे, वह दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का कि देखिए जब कोई दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं या दो चीजें एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मान लीजिए यह दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए है। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। या दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट एक पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक। यदि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझ लीजिए एक ही डायरेक्शन में, और या तो अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ लीजिए वहां पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखिए जब भी समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे एक ट्रक है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो जो इन दोनों की स्पीड जो होती है, दोनों की जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है, वह दोनों की स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। और जब बस और ट्रक ये दोनों जब ये इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वह क्या होती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो वहां पे उसकी स्पीड माइनस होगी, और जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड में, और जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो उसकी रिलेटिव की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों की स्पीड, ट्रक की स्पीड और बस की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसको समझाने के लिए आपको बताए थे, अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड
क्या हो जाएगी? बस स्पीड माइनस ट्रक स्पीड। ठीक, बस की स्पीड कितनी थी? 45 और ट्रक की स्पीड माइनस एक्स। ठीक, रिलेटिव स्पीड इतनी हो गई। अब यहाँ पे हम स्पीड इसको अलग अलग नहीं रखेंगे, स्पीड हमारा जो फार्मूले में रखेंगे हम यही वाला रखेंगे। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ट्रक की क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हम यही वाले रखेंगे, हमने आपको बता दिया स्पीड 45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स बराबर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 150/100। भैया ये 100 नहीं है, यहाँ पे है 1000 होगा, 1000/30 इस टाइम कितना हमारे पास 35। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 45 माइनस एक्स 150/1000 गुणे 3600/30। यहां से 0 0 कट जाएगा, 3 1 3 3 5 15 0 0 0 0 2 5 10 2 से 18 5 से 5 कट गया, x बराबर 45 माइनस 18 x बराबर 15 में से 8 गए 7 3 में से 1 गए 2 x हमने क्या माना था? ट्रक की स्पीड माना था। और हमसे क्या पूछा है? ट्रक की स्पीड पूछा है ना, तो हमारे पास आ गया 127 किलोमीटर/आवर। ये हमारा आंसर सही होगा। समझ में आया? हमने आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बताया, इसीलिए हमने आपको बढ़िया से फिगर बता दिया। अगर आप फिगर जान लोगे ना कि आप क्वेश्चन कह रहा है ना, तो आप आसानी से उसको अपने दिमाग से ही निकालेंगे। ठीक ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।